हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल जुमवर्त। कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ मेरी दोनों परियाँ खड़ी हैं और ये मैंने ड्रेस इनका एक सही लिया था, डेली से लिया था, आप लोग को पता ही है। तो बस यहाँ पर हमारी बड़ी परी हो गई हैं रेडी और हम लोग जा रहे हैं अफ्तार पार्टी में। तो अफ्तार पार्टी किसकी है मैं बता देती हूँ। आप लोगों ने लास्ट ईयर भी देखा था, ये जो बाजी हैं ये मेरी नना समझ लो, मेरी बहन समझ लो, मेरी दोस्त समझ लो, कुछ भी समझ लो। एक्चुअली ये सासी में ही रहते घर के बहुत पास, लेकिन पहले हम लोगों का आना जाना नहीं था, मतलब कोई भी किसी भी ओकेजन में कुछ नहीं, बस जानते थे ऐसे एज अ मोहल्ला पड़ोसी। लेकिन इनसे दोस्ताना कैसे हुआ वो मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली मैं पहले जाती थी मॉर्निंग वॉक पे, आप लोगों को पता ही है लिबा के होने से बहुत टाइम पहले की बात है। तो बस जब मैं जाती थी मॉर्निंग वॉक पे तो इनकी मम्मी आती थी घूमने के लिए, तो रोज़ ही हम घूमते थे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। एक दिन आंटी ने पूछ ही लिया तुम कहाँ से हो, किसके घर से हो, तब मैंने बताया कि मैं राष्ट्रीय की बहू हूँ। तो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी मुझसे मिलकर, तो उन्होंने डायरेक्ट ये बोला था अच्छा तुम हो दिल्ली वाली बहू। मैंने कहा हाँ जी। तो वो मुझे ये बता रही थी कि तुम्हारी सासू माँ तुम्हारी बहुत तारीफ़ करती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया मोहल्ला पड़ोस तो है ही ना। फिर इनकी बेटी आने लगी तो बस वहाँ से हमारी दोस्ती शुरू हुई, प्यार शुरू हुआ, मोहब्बत शुरू हुई और बस अब हम लोग सब एक हैं माशाल्लाह से, सब एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं। तो यहाँ पर भैया भी बैठे हुए हैं, तो बस ये इफ्तार पार्टी चल रही है। हेलो लिबा को इतनी चीज़ों में बस एक चीज़ समझ में आती, कोल्ड ड्रिंक। बड़े स्टाइल में रहे, लो नहीं पी रहे, पी लो पी लो पी लो। बिना बोटी के बोटी नहीं डालो, बोटी इतना ही है, छोटी सी बोटी तो बहुत है, बोटी ना खावे जे, बोटी नहीं खावे वाली ना जे, बस बोटी का समय से निकाल दे, बोटी समय से निकाल दे। हां हां यार मां ले भाई, इसी में से खा लिया ना, बाहर की तबीयत खराब है तो मैं उसे कोई नहीं आया, मैं तेरे फोन दूंगा कई जगह से मेरे हाथ में होगा। हां पिछली बार तो बहुत भीड़ थी, पिछली बार बहुत भीड़ थी। नहीं ये भी नहीं खाएगी, सिर्फ चावल खाएगी। क्या आ रहा चुप से नहीं नहीं हाँ एक ही बहुत है, एक ही बहुत है यहाँ पर।
क्या 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 उनका मन कर रहा है उस दुपट्टे इसका मतलब थोड़ी सी लाइट और नहीं होगी, यही है। चलो कोई नहीं, मेरे इसी से हो जाएगी रोशनी। हाँ वो तो है। तो वहाँ मैं आपसे ये कह रही थी कि भाभी को गौर से देखो, और वो मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि भाभी हमारी बहुत मेहनती हैं, बहुत प्यारी हैं। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, सारा खाना इन्होंने घर में ही बनाया है, और वो भी चूल्हे पे। तो है ना तारीफ़ की बात। माशाल्लाह खाना भी बहुत टेस्टी बनाती है। मैंने लास्ट ईयर भी खाया था, मुझे बहुत पसंद आया। मैंने इस साल भी खाया, मुझे बहुत बहुत पसंद आया। थैंक यू भाभी इतना सब कुछ करने के लिए। और ये तो वैसे भी सब आपका काम है, और इनके अंदर बहुत सारे टैलेंट है। एक बार मुझे ये बता रही थी, दिखा रही थी कि इन्होंने चादर चढ़ाई थी ना, तो वो इन्होंने खुद घर में बनाई थी। यही रहती है, यही रहती है। मम्मी भी चली बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, किसी के कहने में नहीं आ रही। आप कर लो बदतमीजी, कर लो पूरी बदतमीजी कर लो। तो यहाँ पर आंटी ने हमें गिफ्ट दिए थे, चूड़ियाँ हैं, कड़े हैं। ये एक्चुअली एक मम्मी के लिए, एक मेरे लिए, लेकिन ये दोनों मेरे ही आएंगे क्योंकि मम्मी का साइज़ नहीं था। तो माशाल्लाह बहुत सारा, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इतना प्यार करते हैं, आप लोगों ने देखा ही। मतलब जाके भी ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे कि मतलब मुझे ऐसा लगता है, सही बताऊं कि मैं अपने मायके में आ गई, वही वाला प्यार मुझे यहाँ पर मिलता है। ससुराल जैसी कोई चीज़ ऐसी नहीं लगती। और बस यहाँ पर खाली मुझे ऐसे ही बिता नहीं कर रहे हैं, तो मैं सबको बता रही हूँ कि यहाँ पर मुझे गिफ्ट मिला है। और अभी आंटी का बस नहीं चल रहा, आंटी सोची क्या क्या मैं रख दूँ, तो बस खाना भी वो पैक कर रही है क्योंकि पापा नहीं गए थे। ये रही बेटी, ये रही पोती, दोनों एक ही साथ है। अरे लो ना, अरे नहीं।
चले। अरे आंटी क्यों परेशान हो रहे हो, पापा की तो वैसे भी तबीयत नहीं खाया जैसे नहीं कुछ सब खा लिया हमने, सब खा लिया हम लोगों ने, आराम से खाया सब। ये नानी का होता ही है, हम घर जाते हैं ना तो हमें भी बहुत सारा सामान खाया। ये हमारे साथ हम भी घर जाते हैं तो बैगों में ना जगह होती है, और जब आते हैं भाई साहब ओवरलोड हाँ मुझे ऐसे कुछ आप इनके साथ बंटवारा बंटवारा।